हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोकन अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र प्रसाद। आज के कक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग जो आरएस और आरटीएस परीक्षा का सिलेबस है उसके अंतर्गत जो इतिहास का टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग जो इतिहास विषय से भारत के इतिहास विषय से प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत और जो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत टॉपिक पूछे जाते हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, आरएस परीक्षा की अगर बात करें तो राज्य की प्रतिष्ठित परीक्षा है और एक जो भी गंभीर विद्यार्थी होता है उसका सपना होता है कि मैं राज्य की इस प्रतिष्ठित सेवा के अंतर्गत जाऊं और अपनी सेवाएं दूं। खास करके जैसे एसडीएम का पद है या डीएसपी का पद है उसके प्रति जो युवा हैं उनके काफ़ी एक तरीके से देखा जाए तो आकर्षण होता है। और भारत की अगर बात करें तो जो यूपीएससी के अंतर्गत जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, IRS इन परीक्षाओं के बाद में अगर राजस्थान स्तर की किसी परीक्षा की चर्चा होती है तो वो है RS की परीक्षा। ठीक है, तो जब ये सेवा एक तरीके से प्रतिष्ठित सेवा है, राज्य की मुख्य एक आकर्षण का केंद्र इसको माना जाता है सेवाओं के अंतर्गत, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो भी एक समझदारी वाला एग्ज़ाम होता है। आपको इसमें अगर चयन होना है तो सटीक ढंग से और बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो हमारा अध्ययन है और इस अध्ययन के दौरान जो सावधानी हम बरतते हैं वो भी एक तरीके से काफ़ी सजी साफ सुथरी होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि अंडर द गाइडेंस हमारा जो प्रोसेस है वो होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमें करना क्या है कि जो भी गंभीर विद्यार्थी इस सेवा के लिए तैयारी करना चाहता है तो उसको एक तो जो योग्यता है बीए हमारा कम से कम बैचलर डिग्री हमारे पास में होनी चाहिए। उसके बाद में हमें जो सिलेबस है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या विषय इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ हम अपने आप को टॉपिक्स के अंदर सहूलियत महसूस करते हैं, कहाँ पर हमें दिक्कत है, उन चीज़ों के बारे में हमें सिलेबस के द्वारा उन चीज़ों को देख लेना चाहिए। फिर हमें जो पुस्तकें हैं, ऐसा नहीं है कि जो बाज़ार के अंदर कचरा मिलता है आप गए और किसी भी पुस्तक को उठा करके ले आ गए, लेकर के आरएस के अध्ययन की शुरुआत कर दी या फिर तैयारी में लग गए, ऐसा नहीं है। आपको जो ऑथेंटिक बुक हैं उनका चयन करना है, कम पुस्तकें होनी चाहिए लेकिन जो प्रॉपर वे में आपके सिलेबस को कवर करती हों, आपकी जो तैयारी है उसको मजबूत करती हों, आपकी जो अवधारणात्मक समझ है उसको क्लियर करती हों, तो ऐसी पुस्तकें आप इस परीक्षा के लिए चयन करोगे। और उसके बाद में किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी संस्था के गाइडेंस में आपको क्या है इसकी तैयारी करनी है। जैसे मान लीजिए कई सफल व्यक्ति होते हैं जो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर सकते हैं, आपको इस विषय इस परीक्षा के बारे में जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके बारे में आपको समझ सकती है, आपके डेवलप कर सकते हैं। खास करके जो आरएस की मुख्य परीक्षा होती है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं सलाह मशवरा की ज़रूरत होती है, जो लेखन शैली है उसको सुधारने की, उसको कैसे हम सही और सटीक ढंग से एक अच्छा आंसर लिखें इसके बारे में आपको जानकारी लेना ज़रूरी होता है, लेना या फिर उसको एक तरीके से उसको प्रैक्टिस में लाना आपके लिए ज़रूरी होता है। और उसके लिए थोड़ा क्या है कि हमें किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वो कोई संस्था हो सकती है या कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है जो आपको समय समय के ऊपर क्या है उचित मार्गदर्शन करे ताकि आप सफलता की ओर अग्रसर हों। ठीक है, तो हमें करना क्या है,
आरएएस हो चाहे आईएएस हो, इन सेवाओं के लिए क्या है, एक तो सबसे पहले हमें अपना खुद का मैनेजमेंट करना है, ठीक है, एक व्यवस्थित जीवन शैली हमारी होनी चाहिए और जो पुस्तकों का संग्रह है वो कम होना चाहिए, लेकिन जो प्रॉपर पुस्तकें हैं, जो ऑथेंटिक बुक हैं, उनका संग्रह हमारे पास में होना चाहिए जो प्रत्येक बिंदु के लिए हमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करती हो, ठीक है, उनका बार बार अध्ययन हमें करना चाहिए, ना कि जैसे मान लीजिए कि एक ही टॉपिक के लिए हम 5 पुस्तकें पढ़ रहे हैं, हमारी क्लियर एक भी चीज़ नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें किसी के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष के साथ मिलकर के चीज़ों को पहले समझना चाहिए, उसके द्वारा जो मार्गदर्शन किया जाता है किसी संस्था के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, उसको लेकर के हमें उन पुस्तकों का गंभीर तरीके से अध्ययन करना चाहिए, जो अवधारणाएं उनमें दी गई हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हमें सहूलियतें प्रदान करती हैं, उनको क्लियर करना चाहिए, और फिर जो मेंस का एग्जाम है, आरएएस का हो या आईएएस का, जो मुख्य परीक्षा का एग्जाम है, उसके लिए हमें गंभीर प्रयास करना चाहिए, ठीक है, उसमें हमें जो पिछले 5-6 साल पुराने जो क्वेश्चन है उनको हमें देखना चाहिए, और उनका क्या है, हमें बिंदुवार विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, पूछ क्या रहा है, उसकी डिमांड क्या है, मतलब क्वेश्चन की, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, मैं इसमें कितना पारंगत हूँ, यानी कितना समझ शक्ति के साथ में मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ, या मेरे से कहीं पर त्रुटि हो रही है तो मैं इसको सुधारूंगा कैसे, कौन व्यक्ति मेरे को सही इसके संबंध में सही सलाह दे सकता है, कितने मार्क्स मैं इसमें गेन कर सकता हूँ, या मेरी लिखने की शैली है उसमें क्या कमियाँ हैं, ये प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं, आपको किसी मार्गदर्शन में रह करके, कोई प्रोफेसर हो सकता है, आपके कॉलेज का लेक्चरर हो सकते हैं, किसी संस्था जो प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं होती हैं उनके माध्यम से बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, वो आपको प्रॉपर वे में आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो पहले से इन सेवाओं में जो सेलेक्टेड हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग ऐसे होते हैं जो आने वाले युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं, और जो कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सफल नहीं हो पाते लेकिन उनके पास में एक अच्छा अनुभव होता है, हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि असफल होना, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफल होना असफल होना ये चलता रहता है, लेकिन उनके पास में क्या है, एक अच्छा अनुभव होता है, हम उसको उसका लाभ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो यही है इस परीक्षा के लिए हमें सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारा एक तो प्रॉपर वे में मैनेजमेंट होना चाहिए हमारा, और उस प्रॉपर मैनेजमेंट के अंतर्गत हमें चीज़ों को अंडर द गाइडेंस किसी के मार्गदर्शन में हमें इस परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें देगी, कम समय के अंतर्गत हमें सफलता दिलाएगी, कम पुस्तकें पढ़नी हैं, और जो डेली रूटीन की जो समाचार होते हैं या फिर जैसे मान लीजिए संपादकीय लेख होते हैं, जो भी अच्छे अखबार हैं जैसे हिंदू है और इंडियन एक्सप्रेस है, या फिर हिंदी अखबार हैं जैसे भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, जनसत्ता है, इनके अंतर्गत जो बढ़िया बढ़िया लेख आते हैं इकोनॉमी से संबंधित, जो सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर के, या फिर कोई भी तत्कालीन गंभीर मुद्दा होता है उसको लेकर के जो संपादकीय लेख आते हैं उनको हमें गंभीरता से पढ़ना है, उनका विश्लेषण करना है। तो ये क्या है, इस परीक्षा के एक तरीके से जो मुख्य चर्चा का विषय होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, और इस एग्ज़ाम का एक कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है, आप कोई बड़ी सफलता लेना चाहते हैं तो उसको आप किसी शॉर्टकट माध्यम से नहीं ले सकते, उसके लिए आपको गंभीर प्रयास करना पड़ता है, कई बार असफल भी होना पड़ता है, और कई बार हम कम समय में भी सफल हो जाते हैं, लेकिन हमें क्या है, उचित मार्ग का पालन करना है और गंभीर प्रयास करना है, और मार्गदर्शन में रह करके हमें सफलता हासिल करनी है।
अब हम चर्चा करते हैं जो आरएएस के अंतर्गत इतिहास विषय की जो प्रारंभिक परीक्षा में जो बिंदु होते हैं या टॉपिक्स जो दिए गए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आरएएस के अंतर्गत हम लोग बात करें तो जैसे राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं, इसके अंतर्गत आरएएस है और जो अन्य सेवाएं हैं उनके बारे में, और जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत बात करें तो इसमें क्या है कि 200 मार्क्स का पेपर होता है और 150 इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स और 150 क्वेश्चन आते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। ठीक है, अगर आप गलत करते हो इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है। और लगभग 3 घंटे का ये पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। और इस पूरे पेपर के अंतर्गत जो इतिहास का टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें देखा है प्राचीन काल एवं मध्यकाल। ठीक है, जो एंशियंट इंडिया है और जो मिडाइवल इंडिया है उसके टॉपिक से यहाँ पर हमें क्लियर करने हैं। और इसके अंतर्गत दे रखा है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक है, जो सेंटेंस हमारे पास में है उसमें दे रखा है कि जो प्राचीन और मध्यकाल है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है और प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में हमें पूछ रहा है। तो विशेषताओं की अगर बात करें तो प्राचीन और मध्यकाल के अंतर्गत एक तो जैसे राजतंत्र, जैसे राजनीति की बात करें तो कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ पर गणतंत्रात्मक संस्थाएं विकसित होती हैं, कभी राजतंत्रात्मक संस्थाएं विकसित होती हैं, कभी बड़े विशाल साम्राज्य बनते हैं जैसे मौर्य काल है, गुप्त काल है, कभी छोटे छोटी शक्तियों के रूप में भारत बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की हमें अलग अलग विशेषताएं भारत के अंतर्गत प्राचीन काल में और मध्यकाल में देखने को मिलती हैं। मध्यकाल में जैसे सल्तनत काल के अंतर्गत बड़ा विशाल साम्राज्य बनता है, मुगल काल में अकबर के समय में, जहांगीर के समय में बड़ा विस्तृत साम्राज्य भारत में बनता है। इसी अगर प्राचीन और मध्यकाल के धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो हमें ऋग्वेद कालीन जो धार्मिक व्यवस्था है वो देखने को मिलती है, जिसको ब्राह्मण धर्म के धर्म भी बोला जाता है। और हमें प्राचीन काल के अंदर बौद्ध, जैन और अन्य दर्शन भी देखने को मिलते हैं। मध्यकाल के अंतर्गत देखते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या है, इस्लाम का प्रचार होता है। तो ऐसे क्या है, समय समय के अंतर्गत यहाँ पर हमारे जो प्राचीन और मध्यकाल की जो धार्मिक जीवन की विशेषताएं हैं ये भी देखने को मिलती हैं। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत हम बात करें या विशेषताओं के बारे में अगर बात करें प्राचीन और मध्यकाल की, तो होता क्या है कि हमें व्यापार वाणिज्य आधारित व्यवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है। प्राचीन काल का जो पाषाणकालीन मानव है वो क्या है, शिकार और पशुपालन जैसी चीजों के ऊपर जीता है। ठीक है, आगे अगर बात करें वैदिक काल का जो समाज है वो भी पशुपालन आधारित समाज के रूप में जीता है, लेकिन जैसे बाद में मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष के समय क्या है, हमें व्यापार वाणिज्य आधारित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। तो समय समय के ऊपर क्या है, परिवर्तनशील जीवन की विशेषताएं हमें अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी देखने को मिलती हैं। तो कभी कृषि आधारित जीवन है, कभी व्यापार वाणिज्य आधारित है, कभी दोनों एक साथ में है, कभी नगरीकरण हमें विस्तृत रूप में देखने को मिलता है, कभी उसका पतन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने विशेषताओं के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था के बारे में देखा, धर्म के बारे में देखा, अर्थव्यवस्था के बारे में देखा। सामाजिक जीवन के बारे में अगर बात करें तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत हमें शुरुआत के अंतर्गत कबीलाई समाज दिखता है, जो इधर उधर कबीलों के अंदर बटा हुआ था, जैसे वैदिक काल की अगर बात करें या उससे पहले का देखें। लेकिन बाद में क्या होता है कि परिवार जैसी इकाइयां बनने लग जाती हैं और फिर समाज, बड़े बड़े समाज एक सामाजिक ढांचे के रूप में जो जीवन है वो व्यवस्थित तरीके से जीने लग जाता है, वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में आ जाती है, जातियां आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या है, सामाजिक जीवन के अंतर्गत भी हमें
और फिर उस सामाजिक जीवन में हमें सांस्कृतिक विकास भी दिखता है। सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि अलग अलग जो समाज हैं उनके परिवेश अलग हैं, खान पान अलग बन जाते हैं, और जो पहनावा है वो अलग हो जाता है, तीज त्यौहार हैं वो अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं। तो ऐसे क्या है हमारे जीवन में, या कह सकते हैं प्राचीन काल से लेकर के मध्य काल तक क्या है, अलग अलग तरह की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये जो विशेषताएं हैं ये हमें राजनीति के अंतर्गत भी दिखती हैं, धर्म के अंदर भी दिखती हैं, अर्थव्यवस्था में भी दिखती हैं, और समाज के अंतर्गत भी दिखती हैं, ठीक है। यानी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो वो क्या है, उसमें परिवर्तन भी दिखने लग जाता है, और वो ही क्या है हमारे जीवन की, या फिर प्राचीन और मध्यकाल का जो जीवन है उसकी विशेषताओं के रूप में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब ऐतिहासिक घटनाएं की अगर बात करें तो घटनाओं के अंतर्गत क्या है कि समय के साथ में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और परिवर्तन क्या है उसके अंतर्गत कई घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि प्राचीन काल के अंतर्गत पाषाण का जीवन है, पाषाण काल के अंतर्गत जैसे अग्नि का आविष्कार होता है, पहिए का आविष्कार होता है, कृषि कार्य करने लग जाते हैं, तो ये क्या है, ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं एक तरीके से, ठीक है। आगे अगर देखें तो हड़प्पा के अंतर्गत हमें एक अलग तरह का जीवन देखने को मिलता है, विस्तृत नगरीकरण देखने को मिलता है, तो ये भी क्या है, एक अलग तरह का घटनाक्रम है उस समय में। वैदिक काल में देखें तो बिल्कुल उल्टा हमें दिखाई देता है, वहाँ पर क्या है हमें पशुपालन आधारित जीवन देखने को मिलता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंतर्गत हमें नगरीकरण दिखता है, ठीक है। जो मध्य गंगा के मैदान हैं यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े नगरों का विकास होता है, व्यापार वाणिज्य का विकास होने लग जाता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मौर्य साम्राज्य का विकास होता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़ी शक्ति के रूप में, यानी ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है। आगे देखते हैं तो गुप्त काल के अंतर्गत कई तरह का सांस्कृतिक विकास होता है। तो ये क्या है, जैसे जैसे समय बदलता है तो परिवर्तन होता रहता है, और उसमें क्या है कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे लिए क्रांतिकारी होती हैं, ठीक है। आगे जैसे देखते हैं हर्ष के बाद में क्या होता है कि छोटे छोटे राज्यों के अंदर भारत बंटने लग जाता है, ठीक है। अब इन छोटे छोटे राज्यों का एक तरीके से क्या है, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, तो इनका जो संगठनात्मक ढांचा था वो कमजोर था, ये एक दूसरे को सहयोग नहीं करते थे। अब ऐसे में क्या होता है कि जो मुस्लिम पश्चिमोत्तर भारत से क्या है, मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं और भारत को कब्जे में कर लेते हैं धीरे धीरे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि भारत में दिल्ली को केंद्र बना करके सल्तनत काल और मुगल काल के रूप में दो बड़ी मुस्लिम शक्तियां भारत पर राज करती हैं, ठीक है, काफी लंबे समय तक, तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, ठीक है। इस तरीके से क्या है कि इतिहास के क्रमिक विकास के अंतर्गत हमें कई तरह की घटनाएं देखती हैं जो इतिहास को अलग अलग मोड़ देते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो प्राचीन और मध्यकाल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इसी के समय की जो कला है, संस्कृति है, साहित्य है, स्थापत्य है, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो मानव है, मानव अपने विकास के साथ साथ में क्या है कि उसके साथ में ये चीजें अवश्य जुड़ जाती हैं, जैसे स्थापत्य कला है क्योंकि रहेगा तो वो आवास भी बनाएगा, और साहित्य है, संस्कृति है, कला है, ये क्या है मानव के बौद्धिक विकास को भी इंगित करती है। जितना ज़्यादा मनुष्य ज़्यादा समृद्ध होता है तो वहाँ पर क्या है जो सृजनात्मक कलाएं हैं उनका ज़्यादा विकास होता है, ठीक है। तो प्राचीन काल की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें कला के कई रूप देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए जो पाषाण काल है उसमें हमें गुफाओं के अंदर या पत्थरों के ऊपर कई तरह की कलाएं देखने को मिलती हैं, जैसे शिकार करते हुए व्यक्ति की, इस तरीके से। आगे हम बढ़ते हैं हड़प्पा के अंतर्गत हमें
छोटी छोटी मूर्तियां देखने को मिलती हैं, धातु की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं, मिट्टी की भी देखने को मिलती हैं। तो उससे क्या है कि हमारे को उस समय की जो जो मानव है उसका जो कला से लगाव है या उनका जो दर्शन है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, आगे जैसे मौर्य काल के बारे में देखें तो मौर्य काल में हमें कला की कई तरह की, जैसे मान लीजिए कि जो उनका वास्तुकला के अंतर्गत बात करें तो भवन निर्माण है पाटलिपुत्र के अंतर्गत, उस वो महत्वपूर्ण है। और जो इस समय जो स्तंभ बनते हैं या अभिलेख जो लिखे गए थे स्तंभों के ऊपर, शिलालेखों के ऊपर, वो भी कला के अद्भुत नमूने हैं। यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली हैं, वो भी कला के अनुपम उदाहरण हैं। तो ऐसे क्या है, जैन और बौद्ध धर्म के समय का अगर साहित्य के हम बात करें तो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण साहित्य मिलता है, जिसमें उस समय के समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, धार्मिक क्रियाओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। ठीक है, और समय समय के ऊपर जैसे मान लीजिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था के बारे में पता चलता है, जो राजा के कार्य हैं उनके बारे में पता चलता है, और जीवन के अन्य पक्ष हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। बाद में जो गुप्त काल में साहित्य लिखा गया तो उसमें भी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे कालिदास के नाटक हैं तो उसमें एक तरीके से भारत का जो सांस्कृतिक जीवन है उसके अनुपम उदाहरण उसमें देखने को मिलते हैं। पंचतंत्र की कहानियां हैं, उनसे जीवन की अनेक जो जीवन के अनेक पक्ष हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये क्या है, इन चीज़ों को हमें एक तरीके से समग्रता से हमें इनका अध्ययन करना है। ठीक है, इन चीज़ों का हमें ओवरव्यू होना चाहिए, एक अवधारणात्मक समझ हमें इन चीज़ों की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हमने बात की, कला के बारे में, संस्कृति के बारे में, साहित्य और स्थापत्य के बारे में। क्योंकि होता यह है कि समय समय के ऊपर क्या है, इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है अलग अलग समय के अंतर्गत। जैसे कभी संस्कृत के साहित्य ज़्यादा लिखे गए, कभी प्राकृत और पाली भाषा में साहित्य ज़्यादा लिखा गया। फिर अगर बात करें तो जो सल्तनत काल और मुगल काल है उसमें हमें जो फारसी भाषा है, अरबी भाषा है या उर्दू साहित्य है उसका विकास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और धीरे धीरे कई तरह के, जैसे साहित्य की हम बात करें तो गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत क्या होता है, क्षेत्रीय भाषाओं का और क्षेत्रीय लिपियों का विकास होता है, तो उसमें भी हमें साहित्य काफ़ी प्रचुरता से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हमें अध्ययन करना है। और आज के दृष्टिकोण से देखें तो एग्जाम में क्या है, एग्जामिनर जो कला, संस्कृति, स्थापत्य और साहित्य से संबंधित क्वेश्चन हमें ज़्यादा हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से मेंस का टॉपिक भी है और प्रीलिम्स का टॉपिक भी है, तो एग्जामिनर का व्यू होता है कि दोनों एग्जामों में विद्यार्थी कंफर्ट रहे, उसकी समझ ज़्यादा विकसित हो, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कला के बारे में, गांधार कला क्या है तो उसके बारे में आपको पूछ लेगा, मथुरा कला क्या है उसके बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हमारी समझ इनके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, साहित्य के बारे में जैसे मान लीजिए पाली भाषा में जो साहित्य लिखा गया था उसमें कथन कारण के रूप में पूछ सकता है, शुद्ध पिटक क्या है, अभिधम्म पिटक क्या है, उनके विषय क्या है, कैसा उनमें दर्शन देखने को मिलता है, इस तरीके से पूछ सकता है। जो पुराण है उनके अंतर्गत हमें क्या मिलता है, मैगसनीज की इंडिका है उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है। तो ये क्या है, हमारी इन चीज़ों से जो समझ है हमारी वो अच्छी तरीके से डेवलप होनी चाहिए, और ये कब होगी, जब हम अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक के बारे में अगर देखें तो प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, प्रमुख आंदोलन। ठीक है, तो प्राचीन और मध्यकाल के बारे में पूछ रहा है, प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजवंशों की अगर बात करें तो प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य या मगध साम्राज्य एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में होता है, मगध को केंद्र बना करके, या जो पाटलिपुत्र है अभी का जो पटना है उसको केंद्र बना करके काफ़ी बड़ा विस्तृत साम्राज्य इनके नेतृत्व में होता है।
खास करके जो चंद्रगुप्त मौर्य है और अशोक है इनके नेतृत्व में, ठीक है। फिर गुप्त काल के अंतर्गत हम देखते हैं तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में काफ़ी विस्तृत साम्राज्य होता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या है, छोटे छोटे राजवंश हमें देखने को मिलते हैं, जैसे दक्षिण के अंदर चोल चेर पांडे हैं और उत्तर के अंतर्गत जैसे राष्ट्रकूट आ जाते हैं, पाल आ जाते हैं, और छोटी छोटी राजपूत शक्तियों के रूप में मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल में विकास होता है। फिर बड़े साम्राज्य के रूप में सल्तनत काल के अंतर्गत और मुगल काल के अंतर्गत बड़े विस्तृत साम्राज्यों का निर्माण होता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मौर्य काल है तो इस समय क्या है, विस्तृत साम्राज्य का निर्माण होता है, फिर इसके बाद में छोटे छोटे राज्य आते हैं, फिर गुप्त काल आता है, फिर गुप्त काल के बाद में हर्ष थोड़ा विस्तार लिए हुए है, लेकिन फिर छोटे छोटे राजवंश आ जाते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और ये जो समय है गुप्त काल के बाद वाला, गुप्तोत्तर काल के बाद से लेकर के और 10वीं शताब्दी के आसपास तक का, इसको सामंतवाद के नाम से जाना गया है। फिर सल्तनत काल आता है और फिर मुगल काल आता है और बीच के अंतर्गत, बीच बीच में क्या है, छोटे छोटे राज्यों का विकास होता है। तो छोटे छोटे राज्य क्या है कि अपनी सत्ताएं स्थापित करते हैं, लेकिन उनके कुछ नेगेटिव पक्ष भी हैं और कुछ पॉजिटिव पक्ष भी हैं। नेगेटिव पक्षों की बात करें तो क्या है, उनके ऊपर जो विदेशी शक्तियां हैं वो आसानी से अटैक करती थी, या फिर कोई नया बड़ा साम्राज्य उद्भव होता था तो वो उसको कैप्चर कर लेता था। लेकिन यहाँ पर हमें छोटी छोटी शक्तियों के अंतर्गत क्या है, कला का, साहित्य का, संस्कृति का ये विकास बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है, स्थापत्य कला का। तो इस समय क्या है, छोटे छोटे राजवंशों के अंतर्गत जो राजनीतिक पक्ष इनका भले ही कमजोर रहा हो, लेकिन अन्य जो पक्ष हैं, जो सांस्कृतिक पक्ष है खास करके, वो काफ़ी मजबूत देखने को मिलता है, ठीक है। प्रशासनिक ढांचे की अगर बात करें तो जैसे जैसा साम्राज्य रहा है, जैसे मान लीजिए मौर्य साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य विस्तृत साम्राज्य होने के कारण क्या है, इनका प्रशासनिक तंत्र भी काफ़ी बड़ा था। और यहाँ की खास बात यह है कि इस समय केंद्रीकृत व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, ठीक है, यानी सेंट्रलाइज व्यवस्था थी, केंद्र बड़े से बड़ा अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक को रेगुलेट करता था, उसके दिशा निर्देशन में ये कार्य होता था। लेकिन बाद के समय में गुप्त काल में थोड़े समय ये व्यवस्था चलती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हमें विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है और उसके अंतर्गत क्या होता है कि सामंतवादी जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है। छोटे छोटे राज्य आ जाते हैं, उनके नीचे छोटे राज्य जो सामंत हैं वो कार्य करते हैं, फिर उनके नीचे जो किसान वर्ग है वो कार्य करता है। तो इस तरीके से इस तरह का जो ढांचा होता है उसमें जो प्रशासनिक तंत्र है वो कमज़ोर दिखाई देता है, ठीक है। आगे अगर बात करें सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की, तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें क्या है, ज़्यादातर प्राचीन काल के अंतर्गत और मध्यकाल के अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था आधारित समाज है वो दिखाई देता है। सुप्रीम के अंतर्गत ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, वैश्य है और फिर शूद्र है, ठीक है। इनके अपने अपने कार्य हैं और जो व्यवस्था बनी हुई थी उसी के अनुसार ये कार्य करते थे। कभी कभी क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है और वो क्या है, जो इनके कार्य हैं इनके अंतर्गत विचलन दिखता है, तो क्या होता है कि ये दूसरे के कार्य को हड़पने की कोशिश करते हैं। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो हमें कृषि आधारित व्यवस्था देखने को मिलती है, व्यापार आधारित व्यवस्था देखने को मिलती है और पशुपालन या ऐसे कह सकते हैं तीनों का मिश्रण हमें दिखाई देता है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिलती है कि प्राचीन और मध्यकाल के अंतर्गत मजबूत शक्तियां या केंद्रीकृत व्यवस्था जहां पर ज़्यादा समय रही है वहां का व्यापार, कृषि और अर्थव्यवस्था एक तरीके से क्या है, मजबूत दिखाई देती है। वहां सिक्कों का प्रचलन रहा है और विदेशी व्यापार है वो भी समृद्ध दिखाई देता है। लेकिन जहां छोटे छोटे राज्य बने और
खास करके जो सामंतवादी ढांचा जो आता है उसके अंतर क्या है, पतन भी दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि मुगल काल, सॉरी मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन के समय कुछ समय तक, सल्तनत काल में और मुगल काल में जब बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं तो क्या है, हमारा जो विदेशी व्यापार है और आंतरिक व्यापार है मजबूत दिखाई देता है, समृद्ध नगरीकरण में दिखाई देता है और लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी उच्च दिखाई देता है। लेकिन जब छोटे छोटे राज्य बनते हैं या फिर जो सामंतवादी ढांचा बनता है, छोटे राज्य बनते हैं, तो ऐसे में क्या है, लोगों के ऊपर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था लोगों को करने पर मजबूर किया जाता है और उससे क्या है, उनके ऊपर करों का बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एकमात्र स्रोत क्या है, कृषि होती है। तो ऐसे में क्या है, लोगों का जीवन स्तर भी फिर गिरने लग जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों की समझ हमें डेवलप करनी पड़ेगी। आगे अगर देखें तो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे प्रमुख आंदोलन। ठीक है, सामाजिक मुद्दों की अगर बात करें तो हमें प्राचीन और मध्यकाल में क्या है, जैसे खास करके स्त्रियों से संबंधित, प्राचीन काल में क्या है, स्त्रियों की दशा थोड़ी ठीक थी लेकिन बाद में क्या है, सती प्रथा, विधवा विवाह पर रोक और बाल विवाह कम उम्र में होने लग जाते हैं, तो ऐसे में क्या है, उनके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लग जाते हैं, जीवन स्तर कमज़ोर होने लग जाता है, जीवन स्तर में गिरावट आने लग जाती है। शूद्रों की स्थिति है वो भी गंभीर देखने को मिलती है क्योंकि उनको क्या है, एक तरीके से अधिकार विहीन जीवन जीने का जीवन जीना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से मुद्दे हैं। और प्रमुख आंदोलन प्राचीन काल के अंतर्गत अगर देखें तो हमें बौद्धिक आंदोलन देखने को मिलते हैं जैन धर्म के रूप में और बौद्ध धर्म के रूप में। ठीक है, और मध्यकाल की अगर हम बात करें तो भक्ति काल है, ये भी एक आंदोलन था, सूफी आंदोलन है। तो इन्होंने क्या किया कि जो जनजीवन के अंतर्गत जो उनकी चेतना मर जाती है या वो एक जो ढर्रे पर जो उनका जीवन चलता रहता है और जो सामाजिक चिंतन जब लोगों का ख़त्म हो जाता है तो इन लोगों ने क्या है, उनको पुनर्चेत दोबारा से सोचने समझने की बुद्धि प्रदान की या समाज को एक नई दिशा देने का इन लोगों ने प्रयास किया। ठीक है, तो ये हमारे इस समय के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर हमें क्या है, अवधारणात्मक एक तरीके से समझ विकसित करनी है। इनको रटना नहीं है, आप रटोगे तो कभी भी मतलब आरएस जैसी परीक्षा सही ढंग से प्रॉपर वे में सफल नहीं कर एक तरीके से क्लियर नहीं कर पाओगे। हमें इसकी समझ विकसित करनी है, रटने का काम तो एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले का होता है लेकिन हमारी समझ है वो पहले से विकसित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे जो प्राचीन और मध्यकाल से संबंधित जो बिंदु हैं उनके बारे में। और आगे हम देखते हैं आधुनिक काल के अंतर्गत जो इस एग्जाम में पूछने वाले बिंदु हैं उनके बारे में। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक भारत का इतिहास, उसके अंतर्गत 18वीं शताब्दी के मध्य यानी लगभग 1750 से लेकर के वर्तमान तक की जो घटनाएं हैं उनके बारे में पूछ रहा है। 1750 या इसको 1757 हम जब प्लासी का युद्ध होता है उससे शुरू करें तो ऐसे में होता क्या है कि भारत में जो केंद्रीय शक्ति थी मुगल काल, मुगल सत्ता, वो कमज़ोर पड़ जाती है और भारत में क्या है, छोटे छोटे राज्य ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, जैसे हैदराबाद है, बंगाल है, अवध है, राजपूताना की शक्तियाँ हैं मध्य भारत के अंतर्गत या पंजाब है, ये क्या है, मुगल सत्ता से अलग हट कर के उनके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और छोटे छोटे राजवंशों के रूप में इनका उदय होता है। इसी समय बाहर से विदेशी शक्तियां आती हैं, पुर्त आते हैं, एक कंपनी के रूप में आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, लेकिन इनके अंतर्गत क्या है, जो अंग्रेज सत्ता है या अंग्रेज कंपनी है वो क्या है, एक चालाक शक्ति के रूप में आती है, धीरे धीरे शक्ति संग्रह करती है
या एक तरीके क्या है कि भारतीयों के जनमानस को पहचान लेती है और फिर क्या है एक घुसपैठी की तरह क्या है भारत के अंदर धीरे धीरे जगह बनाने लगती है। और प्लासी के युद्ध 1757 में पहली बार क्या है बंगाल के नवाब को हरा करके वो सत्ता हत्या लेते हैं और फिर धीरे धीरे क्या है भारत के अंदर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इनका इतिहास शुरू होता है। फिर धीरे धीरे क्या है पूरे भारत में इनका साम्राज्य स्थापित होता है। इसके विरोध में क्या है 1757 का जो प्लासी का, एक तरफ तो क्या है अंग्रेज भारत में घुस रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है जैसे जैसे ये घुसते जा रहे हैं इनका विरोध भी हो रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है विरोध हो रहा है, जैसे प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, ये क्या है विरोधी हैं। 1857 का विरोध होता है। ठीक है, वो अंग्रेजी जो नीतियां हैं अंग्रेजी शासन की उनके विरोध में होता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो जैसे इनका कोई एक्ट आता था जैसे 1909 का है, 1919 का है, 1935 का है, या इससे पहले जो एक्ट आते हैं तो उस समय समय के ऊपर क्या होता है इनका विरोध भी लगातार चलता रहता है। ठीक है, तो एक तरफ तो क्या है अंग्रेज सत्ता भारत में अपनी सत्ता की जड़ें मजबूत करती है, दूसरी तरफ जो भारतीय जनमानस है वो उनका लगातार विरोध भी कर रहा है और ये विरोध चलता है 1947 तक। ठीक है, तो होता यह है कि अंग्रेज भारत में आते हैं, जो शक्तियां हैं उनको धीरे धीरे पराजित करते हैं, नए नए नियम ला करके अपनी व्यवस्था को मजबूत करते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो भारतीय जनता है वो 1757 में प्लासी के युद्ध में विरोध करती है, बक्सर के युद्ध में विरोध करती है, बाद में 1857 का जो विद्रोह होता है उसमें बड़े स्तर के ऊपर इनका विरोध किया जाता है, फिर इनके विरोध में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तब बड़े स्तर के ऊपर विरोध किया जाता है, छोटे छोटे जो क्रांतिकारी हैं वो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर इनका विरोध करते हैं। ठीक है, फिर गरम दल के विरोध में जैसे लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है, इनके नेतृत्व में विरोध किया जाता है, और फिर बड़े स्तर के ऊपर क्या होता है जब जो गांधीवादी आंदोलन है, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इनके माध्यम से क्या है अंग्रेजों का विरोध किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है ये कार्यक्रम चलता है, अंग्रेज आ रहे हैं सत्ता स्थापित कर रहे हैं और उनके साथ साथ में क्या है भारतीय भी उनका विरोध करते जाते हैं और ये चलता रहता है 1947 तक। आगे अगर देखें तो प्रमुख घटनाएं जैसे अभी हमने बात की व्यक्तित्व और मुद्दे, व्यक्तित्व के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि शुरू के अंतर्गत जो नवाब थे राजा थे वो एक व्यक्तित्व के रूप में हैं जो इनका विरोध करते हैं, बाद में क्या है 1857 के अंतर्गत जैसे झांसी की रानी है, तात्या टोपे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मुगल बादशाह था, तो इस तरीके से क्या है ये व्यक्तित्व के रूप में हम इनको देख सकते हैं। बाद में क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक है या अन्य बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी बलिदानी दी है भारत के लिए, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करें। बाद में देखते हैं गांधी के साथ में बड़े स्तर के ऊपर लोगों का समूह जुड़ता है, उसमें बड़े बड़े नेता भी होते हैं जैसे सुभाष बोस है, पटेल है, नेहरू है और अन्य लोग हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के तौर पर हम उनको अध्ययन कर सकते हैं। आगे अगर देखें तो स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि 1885 के अंतर्गत कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो क्या है एक तरीके से भारत के लोगों को एक झंडे के नीचे ला करके या एक मंच प्रदान करके जो ब्रिटिश सत्ता है उसको उखाड़ फेंकने के बारे में बनाई गई थी, उसके लिए ये संगठन बनाया गया था। ठीक है, तो फिर इसके बैनर के नीचे क्या है लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई होती है, उनके विरुद्ध अलग अलग तरीके से कार्यक्रम बनाए जाते हैं और एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो इसको हमें सही ढंग से मतलब जैसे
कई पुस्तकें ऐसी हैं जो बड़े प्रॉपर वे में इस चीज़ को समझा रखी हैं, जैसे विपिन चंद्रा की पुस्तक है तो उसका हम अध्ययन कर सकते हैं, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन को बड़े अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता, उनका योगदान। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत हम देखें तो होता क्या है कि जैसे 1857 का विद्रोह होता है, ठीक है, उसके बाद में क्या है 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, फिर जैसे में कांग्रेस की स्थापना, फिर नरम दल के नेतृत्व में विद्रोह होता है, फिर गरम दल के नेतृत्व में होता है, ठीक है, और फिर गांधीवादी नेतृत्व होता है। बीच बीच में क्या है कि कुछ व्यक्तिगत क्रांतिकारी भी होते हैं, क्रांतिकारी संगठन भी होते हैं। ठीक है, जैसे भगत सिंह के चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बटुकेश्वर दत्त हैं, इनसे पहले भी कई लोग हुए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत बलिदानी दी है। तो इस तरीके से क्या है, ये अवस्थाएं हैं अलग अलग समय की, खास करके नरम दल, गरम दल और गांधीवादी नेतृत्व है, इन्होंने क्या है भारत को एक तरीके से संगठित करने का प्रयास किया और जो आज़ादी है उसको पाने में हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि सहूलियत प्रदान की। ठीक है, आगे अगर देखें तो 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, तो होता क्या है कि भारतीय समाज के अंदर कई रूढ़ियां फैली हुई थी, सती प्रथा है, विधवा विवाह पर रोक है, जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, शूद्र वर्ण के जो लोग हैं उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। तो ऐसे में क्या है, कई ऐसे महापुरुष आते हैं, बाल गंगा सॉरी जो खास करके बंगाल के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय है, इनके नेतृत्व में बड़ा धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या किया, एनी बेसेंट है, ये जो पुरातन परंपराएं चली हुई थी उनके विद्रोह उनके विरोध में खड़े होते हैं और एक नई व्यवस्था समाज में लाने की कोशिश करते हैं ताकि जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उनको तोड़ा जा सके, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिले, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा का अधिकार मिले, सती प्रथा है उसके ऊपर रोक लगाई गई, जो विधवा विवाह पर रोक थी उसको समाप्त किया गया, बालिकाओं का वध होता था उसके ऊपर रोक लगाई गई। तो इस तरीके से क्या है, हमें जो आधुनिक भारत है इसमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, और इस व्यवस्था को सुधारने में अंग्रेजी जो सिस्टम है या अंग्रेजी जो गवर्नर वगैरह थे, वायसराय वगैरह, उनका भी योगदान हमें मिलता है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो स्वतंत्रता काल 1947 के समय की बातें हैं, और राष्ट्रीय एकीकरण और पुनर्गठन, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारत 1947 में आज़ाद हो जाता है। ठीक है, लेकिन उससे समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं, समस्याओं की अगर हम बात करें तो इस समय क्या है, एक तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता हो जाता है, तो उससे काफ़ी हमें नुकसान उठाना पड़ता है, काफ़ी लोगों को जान की जान गंवानी पड़ती है। बाद में क्या है, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे जो क्षेत्र हैं और अन्य जो छोटी छोटी शक्तियाँ थी उनका पुनर्गठन किया जाता है, उनको भारत में मिलाया जाता है, कईयों को अलग किया जाता है, तो ये भी एक समस्या थी। और इस तरीके से क्या है कि जो वल्लभ भाई पटेल हैं, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री भी थे, इनके नेतृत्व में क्या है इस कार्य को अंजाम दिया जाता है, भारत का छोटी छोटी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो रियासतें थी उनका एकीकरण होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक ओवरव्यू के अंतर्गत हमें इन चीज़ों को समझना है, अगर ये समझ लेते हैं तो हमारे सामने किसी भी तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसको हम आसानी से हल कर देंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो मुख्य परीक्षा से संबंधित बिंदु हैं उनके बारे में। ठीक है, मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत
चार पेपर होते हैं जीएस के, जनरल स्टडी के, उसमें तीन तो जीएस के होते हैं और एक पेपर है वो होता है हिंदी और अंग्रेजी का, हिंदी एंड इंग्लिश का, ठीक है। और टोटल ये पेपर होता है 800 नंबर का, 200 नंबर के ये पेपर होते हैं जीएस और हिंदी और अंग्रेजी के, ठीक है। तो तीन पेपर तो जीएस के हो गए और एक पेपर हो गया हिंदी और इंग्लिश का, टोटल 800 मार्क्स का हमारा मेंस का एग्ज़ाम होता है। अब इसमें जो इतिहास है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें जो अभी हमने प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत चर्चा की उसी तरह के टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक हटकर के हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो अलग है थोड़ा सा। इसमें क्या है, भारतीय धरोहर, ठीक है, जो हमारी धरोहर है उससे रिलेटेड यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक के भारत की ललित कलाएं, ठीक है, ये जो फाइन आर्ट होती है उसके बारे में पूछ रहा है, प्रदर्शन कलाएं, वास्तु परंपरा और साहित्य, ठीक है, एंशियंट से लेकर के जो आधुनिक भारत है उसके अंतर्गत जो हमारी विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं उसके बारे में हमें समझ विकसित करनी है। जैसे मान लीजिए नृत्य कलाएँ हैं, चित्रकलाएँ हैं, और अलग अलग तरह की जैसे वास्तु से संबंधित अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं, पेंटिंग्स हैं, उन सब के बारे में हमें समझ विकसित करनी होगी, ठीक है। उनकी क्या क्या उस कला के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, या फिर कैसे लोगों द्वारा वो किया जाता था, कौन से जैसे मान लीजिए कि कह सकते हैं अगर जनजातीय कलाकृतियाँ हैं, जनजातीय आर्ट से संबंधित है तो हमें उस तरीके से उनको समझना है, या फिर जो नगरीय जीवन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कलाएं चलती थी उनके बारे में हमें अलग से समझ विकसित करनी है, ठीक है। तो ये हमें क्या है, एक तरीके से एंशियंट इंडिया से लेकर के अब आधुनिक भारत तक का जो कला के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। प्राचीन मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन, धर्म दर्शन, प्राचीन मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन और धर्म दर्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, धर्म से संबंधित पूछ रहा है, तो जैसे वैदिक समाज है उसका अपना धर्म है, उपनिषदों के अंतर्गत हमें क्या मिलता है, ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी मिलती है, ठीक है, इन चीज़ों को समझना है। जैन धर्म में बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसको हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है। और अन्य जैसे मान लीजिए आजीविक संप्रदाय है और अलग अलग तरह के जैसे चारवाक दर्शन है, इन सब के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी समझ जरूर होनी चाहिए। अगर फिर बाद की अगर हम बात करें तो भक्ति काल आता है, सूफी आता है, जिसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए शंकराचार्य हैं, रामानुज है, मीरा हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, इनका योगदान हमें पढ़ना है, ठीक है। ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है, यानी एक लंबी ये परंपरा है भक्ति काल की, सूफी काल की, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। निर्गुण धारा क्या होती है, सगुण धारा क्या होती है, उसको समझना है, ठीक है। तो इनके संबंध में भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 19वीं-20वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1965 ईस्वी तक आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाक्रम, व्यक्तित्व और मुद्दे, ठीक है, 19वीं-20वीं शताब्दी के बारे में पूछ रहा है, और 1965 तक, तो इसके अंतर्गत हम लोग दे सकते हैं 19वीं-20वीं शताब्दी के अंतर्गत खास करके जो राष्ट्रीय आंदोलन होता है, जैसे मान लीजिए बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग हैं, नौरोजी हैं और बिपिन चंद्रा पाल हैं, ये शुरुआती हैं। फिर बाद के अंतर्गत क्या है, जैसे गांधी जी आ जाते हैं और नेहरू हैं, पटेल हैं, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, आजादकर है, अंबेडकर है, जिन्ना है, तो इन लोगों के व्यक्तित्व के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इनका राजनीति से लेकर के या फिर समाज के बारे में अगर इनका दर्शन मिलता है तो उसके बारे में इनका क्या विचार है, इन सब चीज़ों को देखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण घटनाक्रम, अब इस समय का महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है, अभी हमने देखा था राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत होता क्या है कि 1857 का विद्रोह होता है, उसके बाद में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन होता है,
1909 में अंग्रेजों द्वारा एक एक्ट लाया जाता है, फिर 1919 में अंग्रेज एक और एक्ट ला रहे हैं जिससे क्या है, भारत में उनकी जो सत्ता है उसको मजबूत कर रहे हैं और फूट डालने का कार्य कर रहे हैं भारत के अंतर्गत, ठीक है। फिर 1920 के आसपास जो असहयोग आंदोलन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है उसके बारे में हमें देखना है, भारत छोड़ो आंदोलन है उसके बारे में देखना है, ठीक है। और बीच बीच के अंतर्गत जैसे कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं उनमें क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रपोजल दिए जाते हैं भारत को आज़ाद कराने के, उनके बारे में देखना है, ठीक है। व्यक्तित्व और मुद्दे, ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर ली। ये क्या है, हमारे को क्या है इनसे संबंधित एक कह सकते हैं गंभीर तरीके से इनका अध्ययन करके और एक अच्छी समझ हमें डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। रटना नहीं है, जैसे एनसीईआरटी जैसी पुस्तकें पढ़ करके हम इनको बहुत ही अच्छे से बड़ा बेहतरीन तरीके से ये समझ विकसित कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत हमने जैसे प्रीलिम्स वाले टॉपिक में बात की थी, तो राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और जैसे और कई लोग हैं जिन्होंने क्या है समाज के बारे में जो रूढ़ियाँ थी उनको उखाड़ फेंकने के लिए या फिर जो परंपरागत रूप से खास करके स्त्रियों को दबाने के लिए जो परंपराएं बनाई गई थी, सती प्रथा है, बालिका वध है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, ऐसी चीज़ों को ये उखाड़ फेंकना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे ताकि जनता है वो एक तरीके से नए समाज का एक ढांचा प्रस्तुत कर सकें। तो इस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है। स्वतंत्रता उत्तरोत्तर सुदृढ़ीकरण, ठीक है, पुनर्गठन, देशी रियासतों का विलय तथा राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। तो देश आज़ाद हो जाता है 1947 में, उसके बाद में जो पुनर्गठन होता है, पाकिस्तान अलग हो रहा है और भारत एक नई शक्ति के रूप में उदय होता है भारत का। साथ साथ में क्या है, छोटी छोटी जो शक्तियां हैं उनका हम विलय कर रहे हैं, जैसे हैदराबाद है, जूनागढ़ है, कश्मीर है, ऐसी समस्याएं हमारे साथ में आती हैं, ठीक है। देसी रियासतें थी छोटी छोटी, उनको मिलाया जाता है क्योंकि कई नानुकूर कर रहे थे तो उनको किसी को सैनिक शक्ति के बल के ऊपर, किसी को समझा बुझा करके मिलाया जाता है, ठीक है। और भाषाई आधार पर पुनर्गठन, फिर क्या होता है कि जैसे हैदराबाद जैसे राज्य हैं इनका क्या है, बाद में भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जाता है क्योंकि ये भी एक गंभीर मुद्दा था, ठीक है। तो आज़ादी के बाद में ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मेंस का एक टॉपिक है आधुनिक विश्व का इतिहास, और इसके अंतर्गत हम बात करें तो पुनर्जागरण धर्म सुधार, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं पुनर्जागरण और धर्म सुधार के। ये प्रारंभिक जब भी आधुनिक भारत का हम अध्ययन करते हैं तो उससे जुड़े हुए टॉपिक हैं, ठीक है। प्रबोधन औद्योगिक क्रांति, ये आगे के टॉपिक हैं। एशिया अफ्रीका में साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद, ठीक है, और विश्व युद्धों का प्रभाव। तो एक तरीके से जो विश्व इतिहास के टॉपिक हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम इनको ज़्यादा विस्तार नहीं देंगे क्योंकि इससे क्या है टॉपिक बिखर जाएगा, लेकिन हमें क्या है इन चीज़ों के बारे में भी हमारी समझ डेवलप होनी चाहिए। प्रबोधन क्या होता है वो उसकी परिभाषा हमें आनी चाहिए, पुनर्जागरण क्या है उसके बारे में हमारी समझ होनी चाहिए, धर्म सुधार आंदोलन कैसे हुए कब हुए ये चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अफ्रीका और एशिया है उन्हीं में साम्राज्यवाद क्यों होता है, उपनिवेशवाद के अंतर्गत यहीं पे कॉलोनियाँ क्यों बनती हैं, अंग्रेज यहीं पर क्यों आते हैं, क्या कारण थे उसके बारे में हमें समझ होनी चाहिए, ठीक है। और विश्व युद्धों का जब दो विश्व युद्ध होते हैं प्रथम और द्वितीय, इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं, कितनी हानि होती है, इसके बारे में हमारी समझ होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या है प्राचीन भारत, मध्यकाल और आधुनिक भारत और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको प्री और मेंस के संदर्भ में देखा,
अब हम कुछ पुस्तकें हैं जो हमें इनके बारे में जो समझ सकती हमारी डेवलप करती हैं या हमें उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्राचीन भारतीय अगर हम बात करें तो इसके लिए हमारे लिए सबसे बेहतर बुक है राम शरण शर्मा की, एनसीईआरटी आती है एक, ये क्लास 11th में पढ़ी जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट बुक है जिसके माध्यम से हम हमारी जो प्राचीन भारत की समझ है उसको बहुत ही बेहतर ढंग से हम विकसित कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये नहीं मिलती है तो हम क्या है जो राजस्थान अध्ययन की सामग्री है, खास करके 11th और 12th की जो बुक्स आती हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर भी हमारे क्या है एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तकें चल रही हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं, ठीक है। मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल के लिए सतीश चंद्र हैं, इनकी एनसीईआरटी आती है सचिन चंद्रा के नाम से, ये एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे ढंग से मध्यकाल को ध्यान में रख करके लिखी गई है और हमारी मध्यकाल से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उनको ये क्लियर कर देंगी, ठीक है। आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत के लिए हमें विपिन चंद्र की पुस्तक है, इसको हम पढ़ सकते हैं। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता से संबंधित जो पुस्तक लिखी गई है उसको, और अगर हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो इसके दो वॉल्यूम आते हैं उनके बारे में, उनको दोनों को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात करें तो स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है उसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पुस्तकें क्या है हमारी समझ शक्ति को विकसित करेंगी और दोनों को मिलाकर के क्या है हम आसानी से जो आधुनिक भारत है उसको समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी कक्षा कार्यक्रम का या नोट्स वगैरह लेकर के हम तीनों को मिलाकर के आसानी से हमारा हमारी जो समझ है उसको विकसित कर सकते हैं, ठीक है। आगे विश्व इतिहास के बारे में अगर बात करें, विश्व इतिहास के बारे में तो एक तो एनसीईआरटियां हैं, एनसीईआरटी इसकी मिल जाएंगी विश्व इतिहास की, या फिर इग्नू के जो इग्नू है उसके बुकलेट इसके संदर्भ में मिल सकते हैं आधुनिक भारत के। और एक पुस्तक और है अगर आप मेंस दे रहे हैं तो दीनानाथ वर्मा की, ये पटना पब्लिकेशन से पटना से छपी हुई पुस्तक है दीनानाथ वर्मा की, तो ये विश्व इतिहास से संबंधित हमारी समझ शक्ति को विकसित करती है अच्छे तरीके से। और अगर आप कला और संस्कृति से संबंधित स्पेशल कुछ पढ़ना चाहते हैं, कला एवं संस्कृति, तो इसके लिए क्या है नितिन सिंघानिया, तो नितिन सिंघानिया की जो पुस्तक है कला एवं संस्कृति की, वो आपको आरएएस आईएएस दोनों एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन परीक्षाओं को पास करने के लिए वो क्या है हमारा प्रॉपर वे में मार्गदर्शन होना चाहिए और अच्छी किताबों का हमारे पास में कलेक्शन होना चाहिए, उनके द्वारा हम इस परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर देंगे। एक साथ साथ में हमारा जो व्यक्तित्व है, खास करके जो हमारा बोलने का ढंग है, वो काफ़ी हेल्प करता है इंटरव्यू के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपके कपड़े, आपकी खूबसूरती और आपका नॉलेज काम नहीं करता, वहाँ पर आपका जो प्रेजेंटेशन है, आप जिस वे में जिस तरीके से वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपसे आपके मुंह से बोले हुए जो शब्द हैं उनका वहाँ पर परीक्षण होता है, किस तरीके से बोल रहे हैं, किस शैली में बोल रहे हैं, अगर आप सटीक ढंग से प्रॉपर वे में व्यवस्थित तरीके से आप क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जो भी भविष्य में इस एग्ज़ाम को लेकर के गंभीर हैं उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप संघर्ष करिए,
मेहनत करिए और मार्गदर्शन में रह करके इस एग्ज़ाम इस परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।